बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर। मेरा नाम फैसल मुगल। आप देख रहे हैं बाइक मेट वीके। सो गाइस, वी आर बैक एट न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी रावलपिंडी, और आज एक और मॉडिफाइड बाइक के साथ हाजिर है। आपको याद होगा, एक दो माह कबल मैंने आपको जब इनकी शोरूम विज़िट कराया था, साथ ही साथ हम वर्कशॉप भी विज़िट किया था, तो उस वक्त ये बाइक अंडर कंस्ट्रक्शन था। अभी मुकम्मल तौर पे बना नहीं था, ये एक प्रोजेक्ट बाइक था जो उन्होंने बनाना था। 2009 मॉडल है, 2009 मॉडल है ये। कम्प्लीटली फ्रॉम द स्क्रैच इन्होंने बनाया, और काफ़ी सारी मॉडिफिकेशंस इसमें की गई, जो कि आप लुक देख रहे हैं इसका, कैफे रेसर या स्क्रैम्बलर या कुछ मिक्स है। अभी हम पूछते हैं फैसल भाई से कि क्या चीज़ बनाई है इन्होंने, और डेफिनेटली एट द एंड हम आपको इसकी प्राइस भी बताएंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये रजिस्टर्ड बाइक है, इस्लामाबाद नंबर, मतलब ऑनर के अपने नाम पे है ये, और यस फॉर सेल है। तो चलिए बढ़ते हैं फैसल भाई की जानिब और उनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये बाइक क्या चीज़ बनाई है। जी फैसल भाई, क्या क्या किया आपने इसके साथ? जी, इसमें आपने जैसा कि देखा, काफ़ी पहले इसकी वीडियोस बनी थी, उसके बाद हमारे पास बीच में काफ़ी प्रोजेक्ट आ गए थे जिसकी वजह से थोड़ा ये डिले हो गया, लेकिन इसके ऊपर वर्किंग आप जैसा कि देख सकते हैं, इसकी जो पेंट जॉब है, इसकी टोटल मॉडिफिकेशन आपको ब्रीफ भी की जाएगी। काफ़ी इसके अंदर चेंजिंग, मेजर चेंजिंग की गई है, उसके इस वजह से इसके ऊपर काफ़ी टाइम यूटिलाइज हुआ है, और बाकी इसकी आपको ब्रीफिंग देते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें हमने चेंजिंग की हैं। इसमें टोटल जो फ्रंट बैक पे है, डिस्क सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, फ्रंट भी डिस्क है और बैक वाली भी, बैक पे भी इसके डिस्क है, जो कि नॉर्मल सुजुकी में जेएस में नहीं आ रहा। और इसके साथ सबसे जो मेन चीज़ है, इसके अंदर मोनोशॉक की मॉडिफिकेशन की गई है, जो कि नॉर्मली उसमें आम उसमें जो सुजुकी है उसमें बैक में रेगुलर शॉक्स होते हैं, ड्यूल शॉक्स होते हैं, इसमें मोनो शॉक इंस्टॉल किया गया। और इसके बाद देखा जाए तो फ्रंट पे काफ़ी इसके अंदर चेंजिंग की गई, इसका टोटल जो है फ्रंट में जो इसका फ्रेम है, इसके अंदर भी एक्सटेंशन की गई है, इसके मॉडिफिकेशन की गई है, और इसमें शॉक्स चेंज किए गए हैं, और टोटल इसके अंदर जो है फ्रंट पे डिस्क ब्रेक सिस्टम इंस्टॉल किया गया। और इसमें जो फ्रंट पे जो टायर की बात की जाए, फ्रंट पे 360/18 का फ्रंट टायर आया, और इसका जो बैक पे 110/90/18 का बैक टायर इंस्टॉल किया गया। ये ड्यूल पर्पज़ टायर है, ऑन रोड ऑफ रोड में ये आपका बेहतरीन जो यूज़ हो सकते हैं। और फ्रंट में लुक में आप देख सकते हैं खूबसूरत LED में इसमें फ्रंट पे लाइट्स चलाई की गई है, जो कि काफ़ी अच्छी लुक देती है। और इसके साथ ही इसमें राउंड इसमें इंटीग्रेटर इंस्टॉल किए गए हैं, इसकी भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस लाइट है, आप देख सकते हैं। और जैसा कि इसमें बात की जाए मीटर में, तो मीटर में इसके फ्यूल इंडिकेशन का ऑप्शन है, जो कि आपको वीडियोस में दिखाया जाएगा, और इसके अंदर फ्यूल गेज इंस्टॉल की गई है, जो कि आपको इसकी फ्यूल की माइलेज बताती है कि आपके इसमें कितने फ्यूल है। और इसके साथ इसमें ये खूबसूरत मिरर, बैक व्यू मिरर इंस्टॉल किए गए हैं, ग्रिप्स वगैरह, और इसमें हैंडल भी चेंज किया गया है, इसके साथ हैंडल राइजर भी इसमें इंस्टॉल किया गया। इसमें काफ़ी एक एक चीज़ के ऊपर मॉडिफिकेशन, इस फैट बार आप से कह सकते हैं नॉर्मल ये स्ट्रेट सिंगल पीस हैंडल बार है, मौक्सी जो मॉक्सी का हैंडल बार है, और इसमें जो फ्रंट की इसकी जो शॉक्स की है हाइट है, वो भी बढ़ाई गई है इसमें मॉडिफिकेशन करके फ्रंट पे फ्रेम में। और इसके बाद जो फ्यूल टैंक आप देख सकते हैं, काफ़ी इसके अच्छी कलर स्कीम दी गई है, और यही कलर स्कीम इसमें रिम में भी इसके साथ कॉम्बिनेशन में इसकी कलर स्कीम दी गई है। और इंजन की बात की जाए, इंजन भी इसका टोटल जेन्युइन है, ओरिजिनल कंडीशन में, खाली इसके ऊपर ये जो कलर स्कीम आप देख सकते हैं, ये इसके ऊपर कलर स्कीम की गई है, चेंजिंग की गई है। और बैक पे जो आप देख सकते हैं, इसको काफ़ी अच्छी लुक दी गई है सीटिंग के हवाले से, ये कैफे रेसर स्टाइल इसमें सीट दी गई है, और बैक पे इसमें जो इंजन के ऊपर आप देख सकते हैं LED लाइट इंस्टॉल है। और इस साइड पे इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम भी अब बात की जाए, तो इसके ऊपर एक टोटल हेड टू टेल एग्जॉस्ट सिस्टम लगाया गया है, और काफ़ी इसकी अच्छी साउंड है, और ये स्लिप ऑन एग्जॉस्ट है, इसके अंदर हमने जो एग्जॉस्ट इंस्टॉल किया गया एक्रापोविक एग्जॉस्ट है, इसकी काफ़ी अच्छी साउंड है। एट द एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको इसकी साउंड भी चेक कराएगी, काफ़ी अच्छी इसके अंदर इसकी साउंड है एग्जॉस्ट की। और इसके साथ जो फ्रंट पे आप देखे होंगे, इसके लेफ्ट साइड पे ये भी मॉडिफिकेशन की गई है, जो लाइट इसके अंदर इंस्टॉल की गई है, ये भी इसके साथ ये कस्टम बिल्ड सारा, टोटल जो भी जितना पार्ट्स है ये सारा इसका फ्रेम ये कस्टम बिल्ड इसके ऊपर लगाया गया है। और इसके साथ ये बैक पे बात करें, तो बैक पे भी ये जो लाइट इंस्टॉल की है, फ्रेम इंस्टॉल किया गया है, ये टोटल हमारी वर्कशॉप में ये सारी मॉडिफिकेशन करके ये कस्टम बिल्ड इसका फ्रेम, लाइट और इसका बैक जो सीट का जितना भी फ्रेम है, टोटल मॉडिफिकेशन हमने खुद की गई है।
इसके ऊपर काफ़ी टाइम यूटिलाइज हो जाता है। और इसके बाद बैक पे अगर आप देख सकें तो इसके बैक पे ये फेंडर इंस्टॉल किया गया है, ये भी कस्टम टोटल कस्टम बिल्ड मडगार्ड है। काफ़ी चीज़ें जो इसमें लगाई गई हैं वो खुद ही हैंडमेड तैयार की गई हैं। और साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फोर्ट्रेस कवर फोर्ट्रेस पैनल प्लेट यहाँ पे लगी हुई है दोनों साइड पे क्रोमिंग में। और फैसल भाई इस पे काफ़ी सारी आपने मॉडिफिकेशन बताई जो आपने की इंजन को छोड़ के इंजन स्टॉक हालत में जी बिल्कुल। तो अगर अखराजात पूछे जाए आपसे मजदूरी वगैरह को छोड़ के ऑफकोर्स आपने खुद ही बनाई है सारी चीज़ें तो कितने के अखराजात हैं इसके ऊपर अगर मॉडिफिकेशन की बात की जाए तो इस तरह की बाइक तैयार करने में अप्रोक्सीमेटली 1 लाख तक आपका एक्सपेंस आ जाता है इस तरह की अगर आप टोटल चेंज करना चाह रहे हैं लुक देना चाह रहे हैं तो। क्योंकि इसके जस्ट पार्ट स्लैप ऑन नहीं किए गए जस्ट चिपकाए नहीं गए, इसके जो फ्रेम है उसके साथ भी काफ़ी कुछ इन्होंने किया हुआ है, वेल्डिंग है, फिर मोल्डिंग है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका मतलब ख्याल रखना पड़ता है और प्रॉपर मेजर करके की जाती हैं ताकि वियर्ड ना लगे, अजीब ना लगे, खूबसूरत भी लगनी चाहिए। तो टाइम कितना लगा आपको अगर वो हम निकाल देते हैं उन प्रोजेक्ट्स को बीच में से तो इसमें अगर कंटिन्यूसली अगर आप इस टाइप का बाइक बनाना चाह रहे हैं तो इसमें कम से कम 2 मंथ्स का टाइम लगता है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी चेंजिंग करनी पड़ती है फ्रेम के अंदर और पेंट जॉब के हवाले से। उसके अलावा ये मॉडिफिकेशन जो इसके कस्टम बिल्ड जितने भी पार्ट्स बनाए गए तो उसके ऊपर काफ़ी टाइम यूटिलाइज होता है, मिनिमम इसमें 2 मंथ्स का ये प्रोजेक्ट लग जाता है। बाकी नॉर्मली अगर छोटी मोटी माइनर आपने कुछ मॉडिफिकेशन करनी चाहते हैं तो वो 1 मंथ में हो जाती है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। आप बाइक नॉर्मली कोई चेंज करना चाह रहे हैं, इसका साइड कवर चेंज करना चाह रहे हैं, कोई लाइट इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हैं या कोई इसके टायर की लुक चेंज करना चाह रहे हैं तो ये इजीली 1 मंथ के अंदर प्रोजेक्ट हो जाता है। अगर इसी टाइप का अगर आप खूबसूरत टोटल मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं A to Z हर चीज़ आपकी इसी A to Z हो तो इसमें 2 मंथ्स का टाइम लग जाता है ऐसी बाइक तैयार करने में। बिल्कुल ऐसे ही ठीक हो गया। तो जैसा आपने बताया 1 लाख रुपए तक इसके एक्सपेंस आए, अगर मैं आपसे अब ये पूछूं कि इसकी प्राइस क्या है, आस्किंग प्राइस क्या है जो आप सेल कर रहे हैं? हाँ, इसकी जो प्राइस की बात की जाए तो इसकी हम 2,20,000 इसकी प्राइस कर रहे हैं इसके ऊपर क्योंकि काफ़ी एक्सपेंस हुआ है इसको मॉडिफिकेशन करने के ऊपर। और ये बाइक भी जो है आप देख सकते हैं इसमें वीडियोस में भी और ख़ुद भी आप आके हमारे आउटलेट पे चेक कर सकते हैं, इसमें एक एक चीज़ के ऊपर फोकस किया गया क्वालिटी के वाले से, पेंट जॉब के वाले से और मॉडिफिकेशन के वाले से, एक एक चीज़ पे फोकस करके इसकी क्वालिटी को बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। इसकी एक एक चीज़ फिनिशिंग क्वालिटी अच्छी है और आप इसको आके फिज़िकली भी चेक कर सकते हैं, इसकी राइड भी अगर लेना चाहें तो आप राइड भी कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बाकी चीज़ें तो आपने बताया कि एट पार हैं सब, इंजन की कंडीशन कैसी है इस वक्त? इसकी इंजन की अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट कंडीशन है, आप इसे 10x10 कह सकते हैं। इंजन भी इसका टोटल प्रॉपर इसको ट्यूनअप किया गया, इसकी जो भी जो माइनर चीज़ें थी चेंजिंग थी वो उसकी कर दी गई हैं और इसको बिल्कुल ओके कंडीशन में ये इंजन बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो 2,20,000 पे आस्किंग प्राइस है। ये GS सादा मॉडल है जिसे इन्होंने मॉडिफाई किया, ये SE नहीं है, स्पेशल एडिशन नहीं है। तो इसका मतलब ये बनता है कि फ्रंट ब्रेक भी खुद से लगाई गई है, रेयर ब्रेक खुद ही लगाई है। तो जो GS स्पेशल एडिशन है उसमें जस्ट फ्रंट पे एक आती है डिस्क ब्रेक, रेयर पे नहीं होती, ड्रम ब्रेक ही होती है पीछे। तो इसमें आगे पीछे दोनों आपको डिस्क ब्रेक्स मिल गई। और मजीद इसकी बात की जाए जो इसमें बैक पे जो डिस्क सिस्टम लगाया गया है ये होंडा CB 150 पे भी आप लगा सकते हैं, इसके अलावा यामा YBR पे, इंशाल्लाह हमारे जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होंगे उसमें हम इसमें CB 150 पे भी और जो है YBR पे भी ये डिस्क सिस्टम लगा के आपको चेक करवाएंगे। अच्छा, कोई आना चाहता है ये वीडियो देखने के बाद, ये बड़ी अच्छी बात की, बड़े मौके पर बात होगी, कोई YBR CG 125 CB 150 कोई भी बाइक लेके आता है रेयर में इंस्टॉल करवाने के लिए डिस्क ब्रेक हो जाएगी? बिल्कुल ऐसे, उसमें मॉडिफिकेशन थोड़ी बहुत करनी पड़ती है, बाकी ये डिस्क सिस्टम आपका मतलब हो तो जाएगी। बिल्कुल ऐसे, हमने CB 150 में भी लगाया और YBR में भी लगाया, ये लग जाता है थोड़ी सी चेंजिंग करने के बाद। तो एक्सपेंस कितना आएगा? ये बैक में जो डिस्क सिस्टम है ये 12,500 रुपये का। ठीक है, कोई भी बाइक हो, कोई भी बाइक हो, इसकी जो प्राइस है 12,500 डिस्क सिस्टम की। ठीक हो गया, तो स्क्रीन पे नंबर तो ऑब्वियसली मौजूद हैं, आपको अगर मॉडिफिकेशन करवानी है तब भी आप यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं फैसल भाई के साथ, और अगर ये डूड आपने ख़रीदना है तब भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी आपको इसके हम दिखाते हैं बल्कि सुनाते हैं साउंड सुनिएगा, फिर हमें बताइएगा कि आपको साउंड कैसी लगी। और एक्रापोविक लगा हुआ है जी इसमें, एक्रापोविक इंस्टॉल है, हेड टू टेल टोटल जी एग्जॉस्ट सिस्टम खुद ही कस्टम तैयार किया गया का इन्होंने लगाया हुआ है। तो चलिए इसकी साउंड सुनते हैं और फिर लास्ट में हम आपसे छोटी सी एक बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुन के जाइएगा।
सो गाइस चलिए अब इस बाइक को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करके इसकी साउंड नोट चेक करते हैं कि साउंड कैसी है, फिर अपने आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये साउंड कैसी लगी। सो गाइज डू लेट मी नो कि आपको साउंड कैसी लगी, और लगे हाथों में आपको इसका मोनोशॉक भी दिखा देता हूँ लाइट में कैसा लग रहा है। हेयर इट इज़। तो इस बाइक में जैसा कि फैसल भाई ने बताया आपको कि पिछले जो कन्वेंशनल डुअल शॉक सिस्टम है वो हटा के मोनोशॉक लगाया गया है और इट लुक्स ब्यूटीफुल। लाइटिंग भी आप देख सकते हैं आजकल हर बाइक में लोगों ने करवाई हुई है, इट लुक्स ग्रेट। और नीचे आप देख सकते हैं फ्रेम को प्रॉपर सपोर्ट करने के लिए इन्होंने एक्स्ट्रा इसके साथ आयरन बार्स लगाई हुई हैं। सो गाइज साउंड कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं वो फाइनल बात की तरफ जो मैंने आपको कहा था कि वीडियो के एंड में मैंने आपको फाइनल बात बतानी है। ख़ास बात नहीं है, आपके सामने है कि एक तरफ मेरे पास खड़ा है फ्यूगो का स्क्रैम्बलर जिसकी प्राइस है 430,000 रुपये, यानी कि 430,000 रुपये में। दूसरी तरफ हमारे पास होममेड स्क्रैम्बलर मौजूद है। तो मुझे कैफे रेसर तो पहली नज़र में लगा ही नहीं था, ये मैंने इन्हें भी बताया था इट लुक्स मोर लाइक अ स्क्रैम्बलर। तो दोनों हमने आमने सामने खड़े कर दिए, तो एज सच देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन देम। एक ऑन माई लेफ्ट जो न्यू पार्क की होम प्रोडक्शन है ये 220,000 रुपये आपको कॉस्ट कर रही है, और जो कंपनी मेड है 430,000 रुपये प्राइस है इसकी। यू बी द जज, आप देख लें आपको कौन सा बाइक ज़्यादा पसंद आया, और वीडियो में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बाइक कैसा लगा। दे मेड अ स्क्रैम्बलर आउट ऑफ इट। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तो वीडियो आपको अच्छी लगी गिव इट अ बिग थम्स अप। अगर अभी तक आपने बाइक माइट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल बिफोर यू गो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, कीमती वक्त देने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।